नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जब हम किसी भी इनपुट को, या लेट सपोज कि हमारे पास एक आउटपुट है, उसे हमें ऑपरेट करना है जब हमारे दोनों इनपुट कंडीशन या तीनों इनपुट कंडीशंस ऑपरेट होंगी, तो ही वो आउटपुट ऑपरेट हो। दैट मीन्स कि आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं, अगर वो सारे ही ऑन होते हैं तो ही वो आउटपुट ऑपरेट होगा। अगर उनमें से एक भी इनपुट ऑफ है तो आउटपुट हमें ऑफ मिलता है। और पैरेलल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से वो और कंडीशन है। दैट मीन्स कि आउटपुट जो है वो एक इनपुट पे या नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि अगर हमें एक आउटपुट को ऑपरेट करना है इनपुट 1 से 2 से 3 से 4 से, तो कंडीशन है यहाँ पे अगर हम इनपुट 1 भी प्रेस करें तो भी आउटपुट ऑपरेट होना चाहिए, अगर 2 से भी प्रेस करते हैं तो भी ऑपरेट हो, 3rd प्रेस करें तो भी ऑपरेट हो, और 4th प्रेस करें तो भी ऑपरेट हो। तो ऐसे कंडीशंस को हम पैरेलल कंडीशंस कहते हैं, जहां पे जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट है इनपुट कंडीशंस के। तो अगर चारों में से कोई भी अगर इनपुट ऑपरेटेड होगी तो आउटपुट डिलीवर होगा या एक्टिव होगा या हाई पोजिशन पे होगा। लेकिन इसी कंडीशन पे अगर हम सीरीज को चेक करते हैं तो सीरीज में सारे ही इनपुट जो है, या ये कहें कि आउटपुट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेंगे, कि जब तक सारे इनपुट एक्टिव नहीं होंगे तब तक आउटपुट एक्टिव नहीं होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज अभी हमारे पास दो इनपुट्स अवेलेबल हैं, जब तक उन दो इनपुट को हम ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट डिलीवर नहीं होगा या एक्टिव स्टेज पे नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशंस पे हम वो सीरीज कंडीशंस को बनाएंगे। जैसे एक इनपुट हो गया, दो इनपुट्स हो गए, और एक आउटपुट ले लेते हैं हम वाई। कंपाइल करते हैं, सिमुलेट करते हैं, रन करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है 0 0, दैट मीन जब दोनों ही इनपुट्स ऑफ है तो आउटपुट ऑफ कंडीशन पे रहता है। जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट एक्टिव हो जाता है, लेट सपोज हम इस इनपुट को एक्टिव करते हैं, तो भी आउटपुट ऑफ ही रहेगा। और अगर हम फर्स्ट इनपुट को एक्टिव करते हैं तो भी आउटपुट ऑफ रहेगा। सीरीज कंडीशन पर जब तक सारे इनपुट एक्टिव नहीं होंगे तब तक आउटपुट डिलीवर नहीं होगा, दैट इज पावर ब्रेकेज रहता है। और जब सारे ऑपरेट होंगे तो ही ये कनेक्टिविटी कंप्लीट होती है। अगर हम यहाँ पे दो और इनपुट डिफाइन करते हैं, X3 या X2 ले लेते हैं और एक X3 ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है, आउटपुट तभी ऑपरेट होगा जब ये चारों इनपुट ऑपरेट होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक इनपुट ऑपरेटेड नहीं है तो आउटपुट ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि पावर ब्रेकेज रहेगा। जैसे कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये तीनों तो ऑपरेट हो गए लेकिन इनिशियल कंडीशन से ही पावर या लॉजिक का जो X0 का है वो ऑफ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है हमारे सिग्नल्स के बीच में, इसलिए आउटपुट Y0 ऑफ। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, देन इसे ऑपरेट करते हैं, देन आल्सो यहाँ से सिग्नल हमारा पास हुआ, यहाँ पे यहाँ से पास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आगे पास नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑफ है। लेट सपोज कि अगर हम इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन पे भी जो आउटपुट्स हैं वो ऑपरेट नहीं हो रहा क्योंकि इन बिटवीन एक इनपुट ऑफ है। तो जब सारे ही इनपुट एक्टिव होंगे तो ही आउटपुट एक्टिव होता है
सीरीज कंडीशन। और इसी तरीके से अगर हमें कोई पैरेलल कंडीशन ड्रॉ करना है तो पैरेलल में क्या होगा, लेट सपोज एक आउटपुट है हमारे पास y1, ये ऑपरेट होना चाहिए जब हम x0 को ऑपरेट कर दें, या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास है x1 को ऑपरेट कर दें, या फिर x2 को ऑपरेट कर दें, या फिर x3 को ऑपरेट कर दें। तीनों चारों में से कोई भी स्विच अगर ऑपरेट होगा तो y1 हमारा ऑपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम पैरेलल कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट की है F9। कंपाइल करेंगे, सिमुलेशन रन करते हैं। तो देखिए अगर हम एंड में देखें तो अगर हम कोई एक इनपुट भी ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट ऑपरेट नहीं हो रहा, लेकिन और कंडीशन में क्या होगा, अगर इन चारों में से कोई भी अगर एक इनपुट ऑपरेट होगा तो आउटपुट ऑपरेट हो जाता है। इसके थ्रू हमें नहीं करना है, लेट सपोज हमें x2 के थ्रू करना है, तो अगर हम x2 को भी प्रेस करते हैं तो आउटपुट एक्टिव है, लेकिन एंड में या सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। उसमें सारे ही जब इनपुट एक्टिव होंगे तो ही आउटपुट हमें डिलीवर होगा। या x1 से अगर हम चेक करें, x2 से चेक करें, x3 पे चेक करते हैं, या x4 पे चेक करें, तो हमने यहाँ देखा कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो सारे ही इनपुट ऑपरेट हुए तो ही आउटपुट ऑपरेटेड है, लेकिन और कंडीशन पे चारों में से कोई अगर लेट सपोज हम एक को ऑफ कर देते हैं तो भी यहाँ पे एक्टिव ही रहेगा ये। दैट मींस कि अगर हमें कहीं पे किसी भी आउटपुट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना है ऑपरेशन कराने के लिए, तो वो कंडीशन को हम और कंडीशन कहते हैं। और एंड कंडीशन पे सारे ही जब इनपुट एक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो इन सभी इनपुट्स के ऊपर डिपेंड होके चल रहा है, जब तक ये ऑपरेट नहीं होंगे सारे आउटपुट ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन और कंडीशन के अंदर जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिफरेंट इनपुट्स पे, तो इनमें से अगर कोई भी इनपुट ऑपरेट होगा तो हमें आउटपुट ऑपरेट मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सीरीज एंड पैरेलल के बारे में। थैंक यू।